देश में कोरोना महामारी के चलते व्यापारी वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अब व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी आर्थिक संकट मंडराने लगा है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि 50 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने ट्रेवल्स उद्योग को किसी प्रकार की राहत देने का काम नहीं किया है, जिसके कारण टैक्सी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। वहीं बस यूनियन के अध्यक्ष नवीन सोनानी का कहना है कि कोरोना महामारी से आने वाले 2021 तक भी यह व्यापार स्थिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद टैक्सी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लॉकडाउन के बाद से किसी तरह की कोई वाहनों की आवाजाही बंद थी बिल्कुल, तो सावे सारे निकल गए। जो पीक सीजन तक कमाने का जो मेहमान दरगाह शरीफ और यहाँ आते हैं, वो काम पूरा ठप हो गया। और टैक्सी व्यवसाय अब इस विकट परिस्थिति में कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। जो जहाँ फंसा हुआ है वो अभी तक फंसा हुआ ही है। प्रशासन द्वारा जो रिबेट दी जाने के लिए परमिशन दी जा रही थी, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पहले प्राइवेट वाहनों को दिया जा रहा था, फिर हमारे द्वारा विरोध किए जाने के बाद टैक्सी वाहनों को दिया परमिशन दी गई, लेकिन अभी भी व्यवस्था सुचारू नहीं है। लोग डर रहे हैं, ड्राइवर भी बाहर जाने से डर रहे हैं। आर्थिक स्थिति उनकी पूरी तरह खराब हो चुकी है और वाहन मालिक की सेम स्थिति है।